मैन सर्च फॉर मीनिंग ऑडियो बुक बाय मिलियनेयर माइंड्स विक्टर ई फ्रेंकल की पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग हमारे समय की महान पुस्तकों में से एक है। यदि किसी पुस्तक के अंदर किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने वाला सिर्फ एक विचार या पैराग्राफ भर हो तब भी उसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए और उसे अपनी पुस्तकों की अलमारी में स्थान दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक में ऐसे बहुत से अंश हैं जो इंसानी जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि यह पुस्तक इंसान के जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में है। स्वयं को सुरक्षित समझने वाले अनेक जर्मन व पूर्वी यूरोपियन यहूदियों के साथ फ्रेंकल को भी नाजी यातना शिविरों में यातनाएं सहनी पड़ी। उनका वहां से जीवित वापस आना भी किसी करिश्मे से कम नहीं था, जो कि बाइबल के एक कथन ए ब्रैंड फ्लक फ्रॉम फायर की पुष्टि करता है। लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन का बहुत विस्तार में वर्णन करने के बजाय अपने दुखों व कष्टों का विवरण देने के बजाय उन स्रोतों के बारे में बताया है जिनके बल पर वो जीवित रहने में सफल हुए। पुस्तक में वे बार बार नीत्से शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन के लिए एक क्यों है वह किसी भी तरह के कैसे को सहन कर सकता है। वे बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से उन कैदियों के विषय में बताते हैं जो अपने भविष्य की सारी उम्मीद खो चुके थे। ऐसे ही कैदियों ने सबसे पहले अपने प्राण त्यागे। उन्होंने भोजन या दवाओं के अभाव में आकर अपने प्राण नहीं त्यागे। आशा का अभाव, जीवन में एक उद्देश्य का अभाव ही उनकी मृत्यु का कारण बना। इसके विपरीत फ्रेंकल ने स्वयं को जीवित रखा और इस सोच को बनाए रखा कि युद्ध समाप्त होने के बाद वे एक बार फिर अपनी पत्नी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह सपने देखना भी नहीं छोड़ा कि युद्ध समाप्त हो गया है। स्पष्ट रूप से ऐसे अनेक कैदी जो जीवित रहना चाहते थे वे जीवित नहीं रह सके। कुछ को रोग ने नहीं छोड़ा तो कुछ को गैस चैम्बरों के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस पुस्तक में फ्रेंकल के लिए यह विचार करने का प्रश्न नहीं है कि अधिकतर व्यक्ति जीवित क्यों नहीं रहे। वे तो इस प्रश्न को उठाते हैं कि जो जीवित रहे उनके जीवित रहने का कारण क्या था। उनके आश्विज के भयंकर अनुभव उनके ही प्रमुख विचारों पर बल देते हैं। जीवन आनंद की तलाश नहीं है, जैसा कि फ्राइड ने कहा था, और ना ही इसे सत्ता की तलाश माना जा सकता है, जैसे कि अल्फ्रेड एडलर ने कहा था। यह तो सही मायनों में अर्थ की तलाश से जुड़ा है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे बड़ा कार्य यही है कि वह अपने जीवन के अर्थ की तलाश करे। फ्रेंकल अर्थ के लिए तीन संभावित स्रोतों की बात करते हैं। पहला, काम के दौरान, दूसरा, प्रेम के दौरान, और तीसरा, कठिन समय में भी आपका साहस बनाए रखना। पीड़ा या कष्ट अपने आप में ही अर्थहीन होते हैं। हम जिस तरह अपनी पीड़ा के साथ पेश आते हैं उसे वैसे ही अर्थ या मायने दे देते हैं। एक स्थान पर वे लिखते हैं, एक व्यक्ति चाहे तो वह वीर, मर्यादित व कर्मयमी बना रह सकता है, या फिर वह स्वयं को महफूज रखने का प्रयास में वह अपनी मानवीय गरिमा को भुलाकर किसी पशु से भी बदतर व्यवहार कर सकता है। वे मानते हैं कि नाजियों के कैदियों में केवल कुछ ही ऐसा करने में सफल रहे। लेकिन यदि इस विषय में एक भी उदाहरण दिया जा सकता है तो हम मान सकते हैं कि मनुष्य की आंतरिक बल उसे उसकी नियति से भी परे ले जा सकता है। अंततः मैं यहाँ फ्रेंकल के लिए एक उल्लेखनीय निरीक्षण के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैं अपने जीवन में तो हमेशा याद रखती ही हूँ, साथ ही इसे दूसरों को सलाह देने के असंख्य मौक़ों पर भी मैंने उसका प्रयोग किया है। जो बल आपके नियंत्रण से बाहर है वह आपकी एक चीज को छोड़कर आपसे बाकी सब छीन सकता है, लेकिन आपसे आपकी यह आज़ादी नहीं छीनी जा सकती कि आप उस नकारात्मक हालत के साथ किस तरह पेश आएंगे। आपके साथ जीवन में जो हुआ उस पर आपका वश नहीं है, लेकिन आपने उस घटना के प्रति क्या अनुभव किया और उसके साथ कैसे पेश आए यह तो हमेशा से ही आपके वश में ही रहा है। आर्थर मिलर के नाटक
किसी इंसिडेंट एट विची में एक दृश्य है जिसमें एक उच्च मध्यमवर्गीय व्यवसायी उन नाजी अधिकारियों के सामने आता है जिन्होंने उसके शहर पर कब्जा कर लिया है। वह उन्हें अपने विश्वविद्यालय की डिग्रियां, प्रमुख नागरिकों से मिले सिफारिशी पत्र आदि याद दिखाता है। एक नाजी पूछता है, क्या तुम्हारे पास यही सब है? जब वह व्यक्ति हामी भरता है तो नाजी वह सब कुछ कचरे के डिब्बे के हवाले करके पूछता है, बहुत अच्छे, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। जिस व्यक्ति का स्वाभिमान हमेशा दूसरों से मिले आदर व मान पर टिका होता है, उसे भावात्मक रूप से नष्ट होने में जरा भी देर नहीं लगती। यदि फ्रैंकल वहां होते तो उन्होंने यही तर्क दिया होता कि जब तक हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की पूरी आजादी है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है, और यह आजादी हमेशा से ही हमारे पास होती है। मेरे अपने सामुदायिक अनुभव में भी मुझे यही बातें हैं कि फ्रैंकल के निरीक्षणों में कितनी सच्चाई छिपी है। मैं ऐसे अनेक सफल व्यवसायियों को जानता हूँ जो सेनानिवृत्त होने के बाद जीवन के लिए सारा उत्साह त्याग देते हैं। उनके काम ने उनके जीवन को अर्थ दे रखा था। जब उनके पास कोई काम नहीं रहा तो वे अपने दिन पर बैठे नीरसता के साथ बिताने लगे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन से जुड़े भयंकर कष्टों व पीड़ाओं को भी यह समझकर सहन कर लिया कि उनकी पीड़ा में भी कोई अर्थ छिपा था। भले ही यह एक पारिवारिक माइलस्टोन रहा हो जिसे बांटने के लिए वे लंबे अरसे तक जीना चाहते थे, या उनके पास एक संभावना थी कि डॉक्टर उनके पास असाध्य रोग का इलाज खोज रहे हैं, तब उनके पास जीने के लिए एक क्यों आ गया तो उनके लिए कैसे को सहन करना और भी सरल हो गया। मेरे निजी अनुभव में भी फ्रैंकल के ही शब्दों की गूंज सुनाई देती है। मेरी पुस्तक When Bad Things Happens to Good People के विचारों ने केवल इसलिए अपनी ताकत व विश्वसनीयता प्राप्त की क्योंकि वे मेरे उस संघर्ष के संदर्भ में थे जो मैंने अपने पुत्र के रोग व उसकी मृत्यु को समझने के दौरान किया। उसी तरह फ्रैंकल के लोगोथेरेपी के सिद्धांत में भी उनकी आत्मा के उपचार का जीवन के अर्थ से जोड़ते हुए विश्वसनीय पाई क्योंकि उन्होंने उसे अपनी आश्विज की पीड़ा की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया था। अगर पुस्तक में पहला भाग ना होता तो संभवतः दूसरा भाग इतना प्रभावशाली ना बन पाता। मेरे लिए यह बात भी बहुत अहम रही कि मैन सर्च फॉर मीनिंग की 1962 संस्करण की प्रस्तावना एक प्रमुख मनोचिकित्सक डॉक्टर गॉर्डन ऑलपार्ट ने लिखी थी और इस पुनः मुद्रित संस्करण की प्रस्तावना एक साधारण व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। हम समझ चुके हैं कि यह गहन रूप से धार्मिक पुस्तक है जो इस बात पर बल देती है कि जीवन अर्थवान है और हमें अपनी परिस्थितियों की परवाह ना करते हुए इसे इसके अर्थ के साथ ही देखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह इस बात पर बल देती है कि जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है और उसके मूल संस्करण में परिसृष्टि को शामिल करने से पहले इसका अंत 20वीं सदी में लिखे सबसे धार्मिक वाक्य के साथ किया गया था। हमारी पीढ़ी बुद्धिवादी है क्योंकि हमने मनुष्य को उसके वास्तविक रूप में जान लिया है। जो भी हो, मनुष्य ही वह जीव है जिसने आश्विज के गैस चैम्बरों की रचना की। हालांकि वह भी मनुष्य ही था जो ऊंटों पर ईश्वर का नाम या शैमो इजराइल के शब्द लिए उन गैस चैम्बरों में दाखिल हो गया। हेरोल्ड एस कुशनर। अब हम अगले भाग या अध्याय एक में यह जानेंगे कि बंदी शिविर में लेखक का अनुभव कैसा रहा। और अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो आप हमें लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं।